अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटीज को लोन देने का ऐलान किया, 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक। अब ये लोन उन लोगों को दिया जाएगा जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और अपने अपने कारोबार बताएंगे, इनकम बताएंगे, और ये लोन का लिंक बैंक से जोड़ा गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि दलितों को लोन दिया गया लेकिन डायरेक्ट उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले गए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 1 लाख रुपए आपको दिया जा रहा है, वो भी बैंक के लिंक से। अब बैंक वाले ज्यादा सताते हैं और बैंक के चकरा मारते मारते ये टाइम खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये लोन का टाइम होने के बाद आपको फिर लोन नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी साजिश नजर आती है। वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन जिसको लोन मिलना है, जो जरूरतमंद है, उसको लोन नहीं मिलता। ये लोन का फायदा उठाते हैं इन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग, इन्हीं के खास लोग, इन्हीं के रिश्तेदार और कुछ पॉलिटिशियन। इस तरह से ये लोग अपना फायदा उठाते हैं, अपना फायदा लेते हैं, लेकिन गरीब और आम लोग को ये लोन नहीं मिलता, तकरीबन नहीं मिलता। शायद कुछ लोगों को मिला होगा लेकिन तकरीबन नहीं मिलता। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये लोन के लिए ये जब अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपए कम से कम इनको खर्च करना होगा। ऑनलाइन की फीस, इनकम सर्टिफिकेट बनाना, ये तमाम जाकर 1000 रुपए तक खर्चा होगा। इसके बाद जब बैंक को जाते हैं तो बैंक वाले आपको इतना फिराते हैं तो आप कई लोग फिरते फिरते फिर बैंक को जाना ही बंद कर देते हैं, और कुछ लोग लगातार बैंक को फिरते हैं, लेकिन वहां पर बैंक वालों की लापरवाही होती है और बैंक वालों को जिसको देना है तय कर लेते हैं, और यही बहुत बड़ा स्कैम यहीं से शुरू होता है। अगर हुकूमत किसी को लोन देना चाहती है तो जिस तरह से दलितों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाला गया रुपया, वैसे ही माइनॉरिटीज अकलेतों के भी अकाउंट में डायरेक्ट डालना चाहिए, चाहे वो 50,000 रुपए क्यों ना हो। लेकिन यहां पर किस तरह का खेल खेला जा रहा है ये हमें समझने की जरूरत है, किस तरह का ये स्कैम होगा ये हमें समझने की जरूरत है। यही कई सवाल उठ रहे हैं, कई लोग परेशान हैं। आप बैंक के चक्करा मारेंगे, माइनॉरिटीज के ऑफिस के चक्करा मारेंगे, लेकिन उनको जलील कर दिया जाएगा, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। जो रुसुखात रखते हैं लोग, जो चालाक होते हैं, जो रिश्वत खिलाकर इसको ये लोन को पास करवा लेते हैं, ऐसे लोग को ही लोन मिलता है। यानी 1 लाख रुपए वो आ रहा है बैंक, 20,000 रुपए बैंक और 80,000 रुपए हुकूमत की जानिब से, तो कुछ रुपए खिलाकर 80,000 रुपए तो इनको कमा लेते हैं 20,000 रुपए खर्च करके। इस तरह का एक बहुत बड़ा स्कैम होता है, जबकि गरीब लोग 1000 रुपए जो खर्चा आ रहे हैं वो भी खर्च करने के लिए उनके पास नहीं है, और वो खर्च लेकर परेशान होकर अपनी खाने पीने की चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर वो रुपये बचाकर ऑनलाइन करवाते हैं और इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, बावजूद इसके इनकी फाइल ऐसी रखी जाती है। बहरहाल, क्राइम टुडे न्यूज गुजारिश करता है उन ओहदेदारों से जिनकी जिम्मेदारी है ये लोन को देना, वो गरीब और मजलूम लोगों को दें, अच्छा तहकीक करके दें। और बैंक वालों की भी ये जिम्मेदारी है, हम बैंक वालों से भी गुजारिश करते हैं कि चंद रुपयों के लिए अपना ईमान ना बेचें। जो गरीब मजलूम है, जो मजबूर लोग होते हैं, उनको ये लोन दें, तभी जाकर हम समझेंगे कि ये जो लोन का सिलसिला है सही लोगों तक पहुंचा। क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो साजिश की गई, 10 लाख रुपए डायरेक्ट अकाउंट में दलितों को और अकलियतों को, 1 लाख रुपए दिया जा रहा है वो भी बैंक के लिंक के साथ, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। बड़ी अफसोस की बात है कि चंद्रशेखर राव को अब पहचानने की जरूरत है। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती, एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवेसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।